उत्तरी भान कही भाई, यू साइंटिस्ट तो गांव के गांव पे ना संभल रहा है, जा तुम्हारे घर में ही घुस गया। आज तो इन्हें रमित की माँ का ही बुरा हाल कर दिया था और उसका मामा भी पिटवा दिया, क्या करे भाई इसका। तो घने को डब्बे काम हो रहे। कैसी तेरी माँ? अब ठीक है। एक बात सुन ले, यू साइंटिस्ट का बीज अब इस घर में ना घुस जा। ताऊ जी जल्दी घर चलो, पापा शराब पीकर फिर मम्मी को मार रहे हैं। क्या बात होगी बेटा? बात कुछ ना, इसका पापा वही बेटा चाहिए बेटा चाहिए, बेटे को ना समझता हूँ कुछ भी। तुम रहने दो पिताजी, मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर सौदा करूंगा उसे। चल लाली मैं चल रहा हूँ, तेरी गल रो मत ना। अरे एक काम करिए, मार पीट ना करिए, शराबी है वो, समझ गया? पता नहीं क्या करके मानेगा यो। तीन तीन लौंडिया पैदा कर ली तुमने, एक लुंडा पैदा ना हुआ तुझसे। लड़का पैदा करना मेरे हाथ में है क्या? और क्या, ये लौंडिया पैदा करना तेरे हाथ में है? लुंडा तू नहीं दे तूने मुझे, ये लौंडिया पैदा कर दी, मेरा खर्चा बढ़वा दे। लुंडा तू नहीं दे तूने मुझे, ये लौंडिया पैदा कर दी, मेरा खर्चा बढ़वा दे। लुंडा तू नहीं दे तूने मुझे, ये लौंडिया पैदा कर दी, मेरा खर्चा बढ़वा दे। ये लौंडिया पैदा कर दी तूने। कुछ ना कहूं, ना लंडा मांगू, मुझे मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर। अगर आज के बाद तूने इनमें से किसी को कुछ भी खा, फिर देखे मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अरे भगवान ने तुझे बेटा ना दिया तो इसमें चाची की क्या गलती है, इन बेटियों की क्या गलती है? अरे तू इन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा, फिर देख इनमें से कोई डॉक्टर बनेगी, दरोगा बनेगी, तेरा सहारा बनेगी, तेरा नाम रोशन करेंगी। तेरी सारी बात सही है भाई रमित, पर इन्हें पढ़ाऊं कैसे, घर का खर्चा ही ना चलता। अरे तेरी शराब से बहुत सस्ती है पढ़ाई, शराब छोड़ दे और घर संभाल, और फिर भी कोई कमी लगे तो मुझे बताइए, ये मेरी भी बहन है, इनकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया आप जो मुझे समझाने जा रहे हो। मैं कहूँ वो मारपीट करके आवेगा। अरे ना जी जा, मारपीट बिल्कुल ना करने का, वो समझाया आएगा और आंखों आंखों में समझाया आएगा, देख लियो। अरे देख लिए, मैं कहूँ वो मारपीट करके आओगा, तेरी बात हर बार गलत साबित हो। देखो गलत और सही का तो मुझे पता नहीं, ये बात जरूर साबित हो जाएगी, वो आज आंखों आंखों में समझाया आएगा। लो आ गया। अरे आ गया भाई, प्यार से ही समझाया होगा ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते पिताजी। अरे वो नशेड़ी है, नशा उतरते ही सब भूल जाएगा। ना जीजा, इसने ऐसा समझाया होगा कति ना भूल ले। आज एकदम बढ़िया तरीके से समझा आया हूं उसे। अरे कुछ बातें बिना जोर के भी समझाई जा सके, जोर से ना समझाई जाती। मैं कहूं था ना मारपीट करके आएगा, पर मानता नहीं। अरे किस दिन कोई इसके हाथों मर गया, क्या होगा फिर? इसमें तो ब्रेक ना, तू तो हट ही सके था। तो इसे ठीक क्यों ना करवाती, अभी टक्कर मार देती। हाँ मार देती टक्कर, बता क्या करेगा? चली जा नहीं तो मार दूंगा तेरे। अच्छा मारेगा मुझे, ले मार, ज्यादा दादा बन रहा था ना, मार। तो चली जा नहीं दो कान पे मारूंगा है ही। मार मार के दिखा, मार के दिखा, ज्यादा दादा बन रहा है ना, मार के दिखा। मार दूंगा तेरे। अच्छा लड़की पे हाथ उठा के दादा बढ़ते हो तुम। अरे चली जा, क्या आफत आ गई। चली जाऊंगी, पहले सॉरी बोल। किस बात की सॉरी? मेरे पे हाथ उठा रहा था, इस बात की सॉरी। जा चली जा, उस पटवारी बुलवा ले सॉरी। पहले सॉरी बोल फिर जाएगा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा? जा देख लूंगी तुझे तो, मैं धक्का देके जा रहा है ना।
देख लूंगा तुझे। ये सारे के सारे काम प्रधान को ही करने, हमें प्रधान से ही बात करनी पड़ेगी। भाई महेंद्र, हम तो कोई काम कहने के लिए प्रधान के पास जाते हैं, एक ही जवाब देता है, ध्यान नहीं है। इन 4 साल में उसने अपना घर बना लिया है, गांव में कोई काम नहीं किया और ग्रांट के पैसों से अपना फार्म हाउस बना लिया। भाई महेंद्र, उसने तो स्कूल की 4 दीवारी के पैसे भी खा लिए। अरे छोटो इस बात को, तो अभी तो उसका साल भर पड़ा, अभी तो काम उसी को करने, उसी पे करवाने हैं सारे सारे काम। अच्छा ठीक है जी, राम राम जी। अच्छा चल दिए? हाँ जी चल दिया। चलो ठीक है भाई। बेटा तू, ओहो उस नालायक ने आज फिर कुछ कर दिया दिखे। क्या करूं मैं इसका, अकेली औलाद है ना, मारी भी ना जाती, इतना तो पिट्टू हूं उसे। सुनो तो सही अंकल जी। क्या सुनूं, उसने हमें सुनने लायक कहने लायक छोड़ रखा है क्या? मैं तो उससे मिल, उससे मिलने नहीं नहीं मतलब आपसे मिलने आई थी, आपके पास बैठ के मुझे अच्छा लगता है। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तेरे पास बैठकर मुझे भी बहुत अच्छा लगे। जब बोल रहे हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे फूल झड़ रहे हो। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो रमित की माँ और उसका मामा बाजार गए। चल आ बेटा बैठेंगे। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, तो मैं फिर कभी आती हूँ। अरे बेटा आई भी और कुछ बताया भी नहीं, चल कोई बात नहीं आती रह कर। ठीक है, नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरे दोस्त, मैंने तुझे कहा था ना कि उस लड़की से बदला मैं लूंगा। देख मैंने ऐसी दवाई बना दी है जिसे लगाते ही उसके नान और नानी दोनों याद आ जाएंगे। अरे ओए कुछ मत करिए उसके, साइंटिस्ट हूं मैं, सब कुछ कर दूंगा और ज्यादा बोल लेगा ना तो दोनों प्रयोग कर दूंगा। अरे यार तो समझ ना रहा बात को। साइंटिस्ट को कह रहा मैं, समझ लिया या बात ना समझे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट। साइंटिस्टों का भी बाप हूं मैं, इस बात को भी समझ के दिखाऊंगा मैं।
हंसनी हंस के जैसा, मोरनी मोर के जैसा, हंसनी हंस के जैसा, मोरनी मोर के जैसा, हंसनी हंस के जैसा, मोरनी मोर के जैसा, डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लोटा डोर के जैसा, डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लोटा डोर के जैसा। साथ न छोड़ूंगा ये वादा है, कभी हाथ न छोड़ूंगा ये वादा है, तेरे साथ न छोड़ूंगी ये वादा है, कभी हाथ न छोड़ूंगी ये वादा है। ये अपना मेल है चंदा और चकोर के जैसा, ये अपना मेल है चंदा और चकोर के जैसा, डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लोटा डोर के जैसा, डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लोटा डोर के जैसा। हम दोनों में दूरी अब होगी ना, मजबूरी अब होगी ना, हम दोनों में दूरी अब होगी ना, कोई प्यार में मजबूरी अब होगी ना। ये साथ रहेगा नदिया और हिलोर के जैसा, ये साथ रहेगा नदिया और हिलोर के जैसा, डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लोटा डोर के जैसा, डार्लिंग तेरा प्यार लोटा डोर के जैसा, डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लोटा डोर के जैसा। अनु यहाँ, क्या मिल गया? बड़ी खुश हो रही है आज तो। कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। मैंने तो तुझे सब्जी लेने भेजा था और इतनी देर में आ रही है, कहाँ थी अब तक? वो दीदी मैं क्या कर रही है, कहाँ थी अब तक? दीदी वो मैं साफ साफ बता, गई कहाँ थी? दीदी मैं रमित से मिलने गई थी। तुझे समझाया था ना उससे दूर रहना है? दीदी वो रमित बहुत अच्छा लड़का है। तुझे पता है ना तेरे जीजा जी और तेरे मौसा जी उन्हें पसंद नहीं करते, तू आज के बाद उससे नहीं मिलेगी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पिताजी ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है,
वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे भी बहुत डांटेंगे वो। पिताजी नहीं मानेंगे इस बात को। दीदी अगर आप बात करोगी तो पिताजी मान ही जाएंगे। मैं ना करने वाली पिताजी से बात। ठीक है तो मैं करके देख लूंगी। सारे दिन तो लड़ाई झगड़ा करता फिर है, काम धंधा वो करता नहीं है। चल बैठ अंदर, पढ़ाई कर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख भाई, मेरे आविष्कार इतने सफल हो रहे हैं कि सरकार मुझे पद्मश्री देने के लिए बुला रही है। तुझे पद्मश्री दे देगी सरकार? हाँ। गांव में तो पिटता फिरे जा। साइंटिस्ट के बारे में ऐसा बोल रहा? मैं तुझे यार करके छोड़ रहा हूँ, न ऐसा प्रयोग कर दूंगा, तेरी फिरकी बना दूंगा, फिरकी नू नाश्ता फिरेगा। अरे मर गया। अरे अरे क्या होगा भाई? ताऊ को अस्पताल ले जा रहे हैं। ताऊ का क्या होगा? कुछ ना, ताऊ के घुटनों में पहले बहुत दर्द रहा था, पहले थोड़ा बहुत चल रहे थे, फिर उस साइंटिस्ट ने दवाई दी, बोला ताऊ दौड़ने लगेगा। फिर के ताऊ जाम पड़ा। अच्छा, अरे तुझे मिला पदम। जान दे, अरे जान दे। कहाँ रह गई थी? मिलने क्यों ना आई? दीदी को पता चल गई है हमारे बारे में, इसलिए घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तू अभी जा यहाँ से, मैं शाम को पक्का आ जाऊंगी। पक्का वादा कर? हाँ पक्का वादा कर रही हूँ मैं, जैसे तैसे आ जाऊंगी, तू जा यहाँ से। अनु जी, मौसा जी। अनु बेटा, स्कूटी की चाबी कहाँ है? दिखाई ना दे रही। वो रसोई में नहीं, वो अलमारी में रखी है। ठीक है बेटा जी। तू गया नहीं अभी तक? तैने मेरे लात क्यों मारी? एक तो तू मुझे मरवा देता, ऊपर से तेरी आरती तारती के। चल सॉरी बोल अब। अच्छा मेरे बाप, सॉरी। तू जा यहाँ से अब। असरा प्रधान जी, थारा नाम खराब हो रहा है गांव में। अब की बार आपका प्रधान बनना मुश्किल सा लग रहा। वाह महेंद्र यादव पैर निकाल रहा है, बन रहा घना बड़ा धर्मात्मा। अच्छा उसका तो इलाज ही करना पड़ेगा, गांव में और किसी की तो हिम्मत है नहीं जो अपने सामने चुनाव लड़ने की कोशिश कर सके। आजकल उसका लड़का ना है, वो क्या नाम है, रमित, वो भी बड़ा उड़ रहा है। अच्छा हाँ, तो तुम एक काम करो, एक घंटा होगा बैठे बैठे कहाँ रह गई? अब भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ, तुम्हें पता है दीदी को पता लग गया हमारे बारे में। तो क्या हो गया, एक ना एक दिन तो सबको पता चलनी है। पता तो चलनी है, लेकिन जितना तुम सोच रहे हो ना, इतना आसान नहीं है हमारी शादी होना।
पिताजी कभी नहीं मानेंगे इस बात को लेकर कि लड़का कुछ काम धंधा नहीं करता। वो हमेशा सरकारी नौकरी को मानते हैं। दीदी को ही देख लो, और मेरी भी वो सरकारी नौकरी वाले से ही शादी करना चाहते हैं। तुम मुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की, तेरी जमीन हमारे धोर है। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास काफी जमीन है, लेकिन इंसान की पहचान हमेशा उसकी मेहनत की कमाई से ही होती है। राम जी को ही देख लो, राजा के घर में पैदा हुए और वो राजा भी बने, लेकिन आज लोग सिर्फ उन्हें उनके कर्मों की वजह से पूछते हैं। तू तो छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना रही है, कर लूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तुम कभी नहीं समझोगे इन बातों को। नमस्ते विशाल भैया। नमस्ते अन्नू, कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, चलते हैं। तुम जानते हो विशाल को? हाँ जानता हूँ, पिताजी ने उसकी पढ़ाई के लिए कई बार पैसे दिए हैं। अच्छा तो आज क्या है? SDM है आज। तुम्हें पता है SDM क्या होता है? लोग उससे मिलने के लिए उसके दफ्तर के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसने मेहनत की, समाज में उसका रुतबा है, सम्मान है। तो क्या हुआ, वो कितने बड़ा आदमी बन गया हो, लेकिन है तो वो अपाहिजी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, है तो वो खुद पर बोझी। मैं ऐसे आदमी के साथ रहने की कभी नहीं सोच सकता। देखो मैं तुमसे साफ कह रही हूँ, या तो तुम कुछ काम करोगे या मुझे भूल जाओगे। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। ये हुई ना बात, अब बने तुम पक्के मजनू। रालिया, रालिया। अरे पूरा इंतजाम है, टेंशन ना ले तू। क्या हाल है रमित? बढ़िया भाई। रमित आ जा बैठ जा। ना ना भाई, घर जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे चला जाइयो, 5 मिनट बैठ तो सही। बता। अरे भाई हम तो प्रधान से परेशान हाल ही है, बहुत गलत आदमी है, हम ना रहे इसके साथ अब। अच्छा, अरे तुम्हें उसके प्रधानी जाति दिख रही है, तुम ये हमारे पास भागे फिर रहे हो। ना ना भाई, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे, बिना प्रधान बने गांव में बहुत सारे काम करवा दिए। अरे टाइम आने पे बदल जाओगे तुम। अरे ना भाई ऐसी बात ना है, हम तुम्हारी गैल हैं। ले इसी बात पे कोल्ड ड्रिंक पी। अरे मैं ना पी रहा, मुझे ना पसंद ही हो। अरे भाई है तू अपना, ये अपने दोस्ती के नाम की है, कोल्ड ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी। चल ठीक। राहुल घाल भाई को। अरे बैस। अरे ले ले यार। अरे बैस, ज्यादा ना पीता मैं यार। चल ठीक है भाई, अब मैं चलूं। अरे तेरी सेटिंग के क्या हाल है? गजब की सेटिंग ले लिया। ओए आजा। ओए गिरवान डाल कैसे डाल रहा है? देख लो गांव वालों, यो महेंद्र का छोरा हमसे दारू मांग रहा था, हमने कहा कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास तो कोल्ड ड्रिंक पी ले, और फिर हमारे साथ मार पिटाई कर रहा है। देखो कैसी बदतमीजी कर रहा है। महेंद्र का छोरा सारा दिन आवारागर्दी करे और शराब पी के लड़ने लो लगा। आजकल किसी का कुछ ना पता भाई। ये साले झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई शराब ना मांगी इनसे। हाँ भाई ठीक है, हम झूठे ही सही। ठीक, हम तेरे आगे हाथ जोड़े, तू अपने घर जा।
अम्मा मम्मा रमित तने शराब पिए? मम्मा तू भी प्रधान का आदमी जैसी बात कर रहा। धीरे बोल, अगर जीजा जीजी ने सुन लिया ना तो महाभारत हो जाएगी। चल अंदर कमरे में, मैं तुझे रोटी ला कर देता हूँ। तू मुझे रोटी खवाएगा? तू खुद मारे टकोटा पल रहा मामा। अरे मालिक अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे टुकड़ों पे ही हैं। फिलहाल चलो तो सही, अंदर को मैंने नाश कर रखा। देगी सब समझा कर, कोई उलहना ना जैसा कभी। अजी तुम एक ही बात की रट क्यों लगाओ जीजा, अब कोई उलहना नहीं का, समझा दिया हमने। देख महेंद्र। अरे आओ प्रधान जी। अरे आना वाना क्या है, तेरे लड़के ने देख इनका क्या हाल कर दिया। अरे प्रधान जी क्या बात होगी, क्यों इतनी आग उगल रही है? तेरे लड़के ने शराब पीकर इनके साथ मारपीट की है। यू बात गलत कह रहे हो तुम, रमित मारपीट कर सकता मगर शराब कभी नहीं पी सकता। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, बुलाओ अपने लड़के को, पूछो उससे। रमित, ओ रमित, बारा भाई। जी पिताजी। अरे प्रधान जी क्या कह रहे, तेने इन लड़कों के साथ मारपिटाई करी? पिताजी मैं तो सुधा घर आ रहा, पर इन लड़कों ने मुझे रास्ते में रोक लिया और कोर्ट में पता नहीं क्या मिला दिया, फिर मेरे से झगड़ा कर रहे। अच्छा ये नई कहानी भी कर दी। प्रधान जी उसमें बात करो, मैं सारी बात मान सकूं पर यह बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरा लड़का नशा करे। अरे यार जो घटिया राजनीति है ना, कहीं और जाके करो। इज्जतदार आदमी हो तुम और इज्जत हमने भी कम नहीं कमा रखी, बस आराम से चले जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तुम गलत कर रहे हो। सबने पता कौन ठीक है कौन गलत है, फालतू की बात मत करो, तुम जाओ यहाँ से। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। अरे रमित बेटा तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्यों गया था तू? पिताजी मैं तो घर ही आ रहा, पर इनके लड़कों ने रोक लिया मुझे और प्रधान की बुराई करके और कोल्ड ड्रिंक में वो मिला दी शराब। अरे एक बात तो सुन ले, वहां जाके तुझे क्या मिला? बदनामी, तो वे बदनामी तो करना चाह रहे तुझे। अरे खुद देख ले कैसी संगत में बैठ रहा तू और कैसी संगत में तुझे बैठना। बेटा इस घर की इज्जत पुरखों ने बहुत मुश्किल कमाई, इसे एक मिनट में खाक में ना मिलावे, समझ जा, सुधर जा। तेरा बापू हाथ जोड़े तेरे आगे, आ गया ना उल्हाना, मानता नहीं किसी की बात। राजेश पटवारी कहाँ जा रहा, हमारी भी सुनता जा। राम राम जी। हाँ जी बताओ। फार्म हाउस के पास जो पंचायती ताला पड़ा इसका क्या हुआ? अच्छा वो, अरे प्रधान जी वो काम तो होया पड़ा, वो एसडीएम पैसे ज्यादा मांग रहा है, वो कह रहा तालाब बड़ा भी तो है। अरे पैसे की तुम चिंता ना करे, तेरा भी हिस्सा अलग से कर देंगे। अरे फिर तो कोई चिंता की बात ही ना, जाके तुम भराव का तैयारी करो उसमें। अच्छा भाई राजेश एक बात और बताओ तेने। हाँ बताओ प्रधान जी। तेरी मेरी तो एक ही बात है, तुम्हारे घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत, एक ही बात है। ऐसी क्या बात होगी प्रधान जी? अरे वो तेरी साली है ना, वो महेंद्र की लड़की से लग रही है। प्रधान जी मेरी साली ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो हमसे मजाक नहीं करती, बहुत शरीफ लड़की है वो। तो भाई सतवीर से पूछ ले, भरते से पूछ ले, गांव वाले किसी व्यक्ति से पूछ ले, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो। ठीक है प्रधान जी, आज जाके घर इसी बात को देखूं पहले। ओ सुमन, सुमन यहाँ। यो क्या सुन रहे हो? मैं क्या हो गया? तुझे पता है पूरे गांव में अन्नू को और रमित को लेकर क्या क्या बात हो रही? क्या बात हो गई? रमित पूरे गांव में सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा,
अरे उसका अन्नू के साथ क्या चक्कर चल रहा? ना ना ऐसी कोई बात ना। अन्नू, अन्नू! उसे क्यों बुला रहे हो? मैं कह तो रही हूँ ऐसी कोई बात ना। अन्नू यहाँ! मुझे तो बताओ क्या बात हो गई? अन्नू! यहाँ! जी जी जो? तेरा रमित का क्या चक्कर चल रहा? बताती क्यों नहीं तेरा रमित का क्या चल रहा है? अरे राजेश, शोर क्यों मचा रहा? पिताजी से बताता हूँ, दोनों आओ बाहर। देख ले, जिस चीज का डर था वही हो रहा है। तेरे चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो सकता है। और सुन, अब वो जो कहे ना चुपचाप मान लियो। सुन ली ना तूने मेरी बात? हाँ। अरे राजेश, क्या बात होगी, इतने गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं पिताजी, इसे अन्नू को और उस रमित को लेकर ना गांव में उल्टी सीधी बात हो रही। अरे बहू, ये क्या सुन रहा हूं मैं? समझा ले अनू को, आज के बाद इस तरीके की बात ना सुन लूं। अरे महेंद्र तो ये चावा हमारे घर का नाश हो गया, हमारे घर में हमेशा अंधेरा रहा है, उसके घर में घी के दिए जले। आज के बाद कहीं अकेले नहीं जाने की, कॉलेज जाएगी मैं छोड़ कर आऊंगा और लेके भी मैं आऊंगा। अनु, अगर ऐसी बात मैंने दोबारा सुन ली ना तो तेरे पिताजी को बता दूंगा और तुझे भी घर भेज दूंगा तेरे। समझा ले इसे। फार्मूला जिसे आज तक कोई नहीं बना सका, मैंने बना दिया। अब चाइना, अमेरिका, भूटान, पाकिस्तान सारे देश के वैज्ञानिक मुझे ढूंढेंगे, पर मैं नहीं मिलूंगा। सब ढूंढेंगे मुझे, और मैं अब सिस्टम फाड़ दूंगा, सबका सिस्टम। जितने भी देश हैं सबका सिस्टम उखाड़ दूंगा मैं, अकेला ही। मैंने बहुत सर्च करके ये बेहतरीन इजाद किया है, और मैं अब इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा।
जा रही? वो जीजू कुछ सामान लाने जा रही। तो सामान है रखी ना, बाहर नहीं जाना। जो सामान चाहिए हमसे बता, हम ला के देंगे। जीजू दुकान तक ही जाना था, मैं ले आऊंगी जाके। ज्यादा बातें मत बना भाई, ठीक है? जिन रस्तों पे तू चल रही है ना, इन्हें मैं रोज नापू, पटवा रही हूँ मैं। शांति से अंदर बैठ जा चल के। लो जी खाना खा लो। ले भाई ले बेटा। अरे क्या सोच रहा है, खाना खा ले। अरे बेटा क्या बात हुई, खाना क्यों छोड़ के जा रहा है, इसे तो खा ले। रमित कैसे उदास बैठा है? मैं तुझे कई दिन से देख रहा हूँ, परेशान। अरे मैं तेरा मामा कम दोस्त ज्यादा हूँ, मुझे बता क्या बात है? कुछ बात नहीं, कुछ तो बात है, ऐसे उदास ना बैठता तू कभी भी। बता क्या बात है, बता ना। मामा अन्नू का उसके घर से निकलना बंद कर दिया, वो जहाँ भी जावे पटवारी उसके गैल जावे। मैं से थोड़ी साथ जाता हूँ उसके पटवारी, कोई तो रास्ता होगा। घर में कभी तो अकेली रहती हूँ, कुछ सोच रास्ता मिलेगा।
पागल हो क्या, मुलफा हो क्या? मुझे घर में सोवे दिख नहीं रहा। तू मेरे से मिलने क्यों आती है अब? मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो रखा है। जीजू के साथ ही आती हूँ और जीजू के साथ ही जाती हूँ। उस पटवारी को तो मैं ऐसा सुधारूंगा, याद रखेगा वो। सुधारने की जरूरत तुम्हें है रमित, तुम कुछ करो वरना ये लोग मेरी कहीं और शादी करवा देंगे। ऐसा कैसे करवा देंगे? अगर तुम ऐसे ही करते रहिए ना तो ये लोग मुझे मेरे घर भेज देंगे और मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा वो? मैंने तुम्हें बताया था ना, ये लोग सरकारी नौकरी को मानते हैं। तुम तो अच्छे पढ़े लिखे भी हो, सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते? सरकारी नौकरी एक दिन में लगा है? इतने में नौकर बनूंगा, इतनी तेरी शादी कहीं और हो जाएगी। अभी मेरा फाइनल ईयर है और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती ये लोग मेरी कहीं भी शादी नहीं करेंगे। इसलिए तुमसे कह रही हूँ नौकरी की तैयारी कर लो, नौकरी लग गई तो तुम ही से शादी हो सकती है। तो मैं कौन सी नौकरी की तैयारी करूँगा? तो SSC के फॉर्म निकल रहे हैं, उसकी तैयारी करो। मैं तेरे बिना रहूंगा कैसे? तू एक काम कर, तू मेरा मोबाइल नंबर ले ले, पर वादा कर तू मुझे रोज फोन करेगी। हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं रोज बात करूंगी। ठीक है, अभी तुम जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। जाओ। सच में जाऊं के? जाओ।